नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों, मैं बहुत टाइम से जो है वीडियो बना नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ रीजंस था दोस्तों जिसके लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मुझे माफ़ करना। आज हम दोस्तों डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जो हमारा एक्वेरियम में जो टेम्परेचर है उसका फ्लक्चुएशन होने से क्या प्रॉब्लम आता है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके फ्लक्चुएशन होने से हमारा फिशेस को क्या डिजीजेस हो सकता है, ये सब जो डिटेल्स है दोस्तों आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी इनेबल कर लीजिए, तो मैं वीडियो जो भी अपलोड करूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। टेम्परेचर फ्लक्चुएटन जो होती है, जो टेम्परेचर हमारा फ्लक्चुएट होती है, मतलब ऊपर नीचे होती है, उसका मेन रीज़न तो है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज जब होती है तब टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट हो जाती है। इससे हम बचने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली हम हीटर यूज़ करते हैं। जो लोग हीटर यूज़ नहीं कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है। कुछ कुछ लोगों का जो है दोस्तों फिश मर भी सकती हैं, कुछ का फिशेस का डिजीज़ आती है, क्योंकि एक्वेरियम में बहुत सारे फिशेस मरते हैं। मैंने देखा बहुत लोगों का फिशेस मरते हुए, तो मैं आज बताऊंगा कि दोस्तों आपका जो फिशेस है वो मरती क्यों है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने की वजह से। ठीक है, अब चलिए, जैसे हमारे पास हीटर नहीं है, जो लोगों के पास हीटर है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास हीटर नहीं है उनको क्या करना चाहिए। पहली बात तो दोस्तों आपका टेम्परेचर का एक छोटा सा मीटर आता है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, या ऑफलाइन स्टोर में भी आपको मिल जाएगा, जो एक्वेरियम का शॉप है जो वहाँ पे भी मिल जाएगा, वो भी कम से कम 100 रुपये 150 रुपये का आता है। तो आप वो टेम्परेचर मीटर जो है आपका एक्वेरियम में आप लगा सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, आपका टेम्परेचर का जो आप एक प्रॉपर आपको नॉलेज रहेगा कि अभी कितना टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना टेम्परेचर है। ठीक है आपका, लेकिन जब आप क्लाइमेट चेंज होता है वो तो एक दिन में नहीं होता, वो बहुत टाइम लगता है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम होता रहता है। लेकिन कुछ लोगों का दोस्तों मैंने देखा हुआ है जो कि विंटर में क्या करते हैं, वो हीटर यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत नीचे चला जाता है, तो इसीलिए वो टेम्परेचर जो हीटर मतलब बढ़ाने के लिए हीटर यूज़ करते हैं। और बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब विंटर का सीज़न ख़त्म हो जाता है वो समर का सीज़न में उनके जो हीटर है उनको अनप्लग कर देते हैं, मतलब उसको बंद कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आता है दोस्तों। आप हीटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो जल्द से जल्द एक हीटर यूज़ कीजिए। और अभी जो हमारा समर सीज़न आ गया है, तो अभी क्या है आपके पास हीटर नहीं है तो भी ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विंटर में तो होना ज़रूरी है। ठीक है, और दोस्तों जब एक टेम्परेचर, मतलब जैसे कि हमारा 28 डिग्री टेम्परेचर है, तो 28 डिग्री टेम्परेचर में ही फिशेस को हम रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन एक घंटे के अंदर अंदर आपका फिशेस का जैसे टेम्परेचर एक डिग्री डाउन चला जाए या एक डिग्री अप चला जाए, तो वहाँ पर भी जो आपका फिशेस है उनका वो लोग स्ट्रेस में चली जाती हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत टाइम से मेरे एक्वेरियम में जो फिशेस को ला के छोड़ के रखा है उनका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, तो ये भी दोस्तों एक वजह है जो कि आपका फिशेस का ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि वो स्ट्रेस में चली जाती है, बार बार आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो ग्रोथ रुक जाता है, और कुछ टाइम के बाद दोस्तों ये फिशेस जो है वो मर भी सकती हैं। और एक बात है दोस्तों, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, आप हीटर नहीं यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर डाउन चला जाता है तो वो फंगल इन्फेक्शन एक होती है, और वो फंगल इन्फेक्शन जो है आपका बॉडी का जो आउटर लेयर होता है उसमें होती है। अब ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी आपका फिशेस जो है दोस्तों वो मरती है, तो यहाँ पे भी एक टेम्परेचर का बहुत बड़ी रोल है आपका एक्वेरियम में। ठीक है, आपका फंगल इन्फेक्शन जैसे समझ लो एक मतलब फिशेस को फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो उस टाइम पे क्या होगा, दूसरे जो फिशेस होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से जो लेयर होती है वो पूरी की पूरी सॉफ्ट हो जाती है, और फिशेस वहाँ पर काटना चालू करते हैं, तो उसकी वजह से सारा जो आपका फिशेस है वो सारे फिशेस को फंगल इन्फेक्शन होती है, और फंगल इन्फेक्शन में तुरंत आपको जो है वो नहीं मरते फिशेस, वो कुछ टाइम के बाद जो है वो फिशेस आपका सारे डेड हो जाते हैं। ठीक है, या तो एक एक करके मरना चालू हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर समझ में भी नहीं आ रहा है कि आपका फिशेस को क्यों मर रहा है। ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट होती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है आता है दोस्तों। तो आप हीटर नहीं यूज़ करते हैं तो आप उसका ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जो फ्लक्चुएट हो रहा है उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई ना कोई एक हीटर यूज़ कीजिए। अभी तो एक ऑटोमेटिक हीटर मिल चुका है, मार्केट में मिलता है, जो कि 150, 200 या 250, 300 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, टेम्परेचर आप एक सेट करके रख सकते हैं, जैसे 28-30 कोई भी एक टेम्परेचर आप सेट कर, आपका फिशेस के अनुसार आपका टेम्परेचर आप सेट करके रखिए, तो वो क्या होगा, उतना टेम्परेचर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा, जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन आए तो वो तुरंत चालू हो जाएगा, फिर वापस जब टेम्परेचर सही हो जाए फिर अपने आप ट्रिप हो जाएगा। तो इसमें भी आपका जो करंट का बिल है वो भी बचत हो जाएगी। और जो लोग मतलब विंटर में यूज़ करते हैं और समर में जो है बंद कर देते हैं टेम्परेचर में जो हीटर है टेम्परेचर को, मतलब वो लोगों को लगता है कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो एक्वेरियम के अंदर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा,
होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो पानी की है उसका टेम्परेचर अलग होती है और बाहर का एनवायरमेंटल जो टेम्परेचर होती है वो अलग होती है। तो आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप बिजली के बिल के जो है थोड़ा सा मतलब बचत के चक्कर में आपका फिशेज़ को मरने से आप बचा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप हीटर को यूज़ कीजिए प्रॉपरली, अभी समर सीज़न आ गया है, मैंने बहुत लोगों को देखा था कि वो लोग अनप्लग कर देते हैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि दोस्तों ऐसा मत करना, क्योंकि आपका फिशेज़ को बहुत सारे मतलब स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन आपका फिशेज़ बहुत सारे फिश होते हैं, बहुत हार्ड फिशेज होते हैं तो उनको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे फिशेज़ जो होती हैं ऑर्नामेंटल फिशेज जो दोस्तों बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर भी सर्वाइव करते हैं, वो लोग बहुत लो टेम्परेचर भी कुछ कुछ सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो आपका फिशेज में कौन सा मतलब आपका टैंक में कौन सा फिशेस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा टेम्परेचर के लिए आपका हीटर यूज़ कीजिए, और एक टेम्परेचर आपका फिशेस के लिए कौन सा मतलब फिशेस के लिए कितना टेम्परेचर होना ज़रूरी है वो आप सेट करके रख सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा एक एक फिशेस के लिए कौन सा फिशेस के लिए कितना टेम्परेचर जरूरी है और कहाँ से कहाँ तक आप टेम्परेचर रख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।